वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी की 13 सीटों पर आज मतदान होगा और साथ ही 130 कैंडिडेट हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। बिल्कुल, आज बेहद महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं अमनदीप चुनाव चौथे रन का, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर पिछली बार बीजेपी ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार भी देखना यही होगा कि इस बार पिछली बार जैसा जो है वो चुनाव होता हुआ देखा जाता है। यानी कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है और चौथे चरण के रण में सुरेश खन्ना जो हैं वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें अब आज सुबह से शाम तक इसी तरह की आने वाली हैं। शाहजहांपुर में वोटिंग डालने के लिए पहुंचे हैं और देखिए सुबह तड़के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए आज आपको दिग्गज नजर आने वाले हैं। आज दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है, लेकिन आज जो ये सीटें हैं यहाँ पर मतदान करते हुए हम दिग्गजों को भी आज देखने वाले हैं। चौथे चरण के रण में सुरेश खन्ना सबसे पहले तस्वीरों में आ चुके हैं वोट देते हुए, मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ से आप ये मैसेज ले सकते हैं, संदेश ले सकते हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, यही बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, एनडीए की तरफ से कहा जाता है। इसी नारे को आगे बढ़ाते हुए दिग्गज जो हैं सुबह तड़के वोट डालने के लिए आएंगे। आज सोमवार का दिन है, कामकाज के लिहाज से सप्ताह का पहला दिन जो है, हर कोई अपने काम में व्यस्त होने वाला है, लेकिन सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाला है। बड़ी कवरेज न्यूज 18 की आप देख रहे हैं। सुरेश खन्ना की इन तस्वीरों के साथ चौथे चरण का ये जो रण है इसका बिगुल बज चुका है। ठीक 7 बजे मतदान शुरू हो चुका है। सुरेश खन्ना तस्वीरों में, बिल्कुल सुरेश खन्ना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब मतदान शुरू हुआ तो वो सबसे पहले वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और देखिए यहाँ पर वो स्याही को दिखाकर लोगों से भी वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने 1989 से लेकर 2017 तक लगातार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता है जो कि चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने मतदान किया और साथ ही लोगों से भी वोट करने की अपील करते हुए वो नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और शाहजहांपुर से जहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं सुरेश खन्ना। और अमनदीप, एक बार अपने दर्शकों को ये हमने जो विंडो तैयार किया है बहुत ही सरल तरीके से आज चौथे चरण के मतदान समझाने के लिए अपने दर्शकों के लिए ये भी बता देते हैं कि देखिए चौथे चरण का रन चल रहा है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि आज वो 13 कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर मतदान शुरू हो चुका है। ठीक 7 बजे जो वोटिंग शुरू हुई है, कहां कहां पर वोटिंग हो रही है, किन किन राज्यों में वोटिंग हो रही है, वो भी आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की वो 13 कौन सी सीटें हैं जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, आप इस विंडो को देख के न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इस विंडो को देख के समझ सकते हैं किसके बीच में कैसा मुकाबला, पिछली बार किसने कितनी सीटें जीती हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम कैसे आए थे। बड़ी कवरेज न्यूज 18 की लगातार 13 सीटों का आज जो रण है वो शुरू हो चुका है। सबसे हाई प्रोफाइल सीट आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कन्नौज से अखिलेश यादव की ये सीट है जिस पर मुकाबला कड़ा देखा जाने वाला है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2014 का आज चौथा चरण है और सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील की है कि वो मतदान जरूर करें और विरासत और विकास के लिए, देश की सुरक्षा और साथ ही सम्मान के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, संकल्पना के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट निर्णायक है। याद रहे पहले मतदान और फिर जलपान। हर बार मुख्यमंत्री सुबह सबसे पहले ट्वीट करते हैं, लोगों से मतदान करने की अपील करते हैं और वो हर बार ये कहते हैं कि पहले आप मतदान करें और उसके बाद में आप जलपान करें। इसके बाद में आप और भी कई सारे पॉलिटिशियंस के ट्वीट देखेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वोट कास्टिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी वोट करके माफ कीजिएगा, ट्वीट करके वोट करने की अपील की है। शाहजहांपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे तो यहाँ पर आप जान लीजिए मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। अरुण सागर बीजेपी के कैंडिडेट है, ज्योत्सना गोंड इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट है, वहीं डॉक्टर दोदराम वर्मा बीएसपी के प्रत्याशी हैं। अगर 2019 की बात कर ली जाए तो बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी
और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखिए लगातार अपील कर दी गई है देश की जनता से। अमित शाह क्या कह रहे हैं, आज लोकसभा के चौथे चरण का मतदान हो रहा है, मजबूत सरकार के लिए भारी संख्या में मतदान करें। गृहमंत्री अमित शाह का ये आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट देख रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान, आज लोकसभा के चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, मजबूत सरकार के लिए भारी संख्या में मतदान जरूरी है। अमनदीप, हमने देखा पिछले जितने भी फेजेस अभी निकले हैं, तीन फेज जिनमें वोट प्रतिशत काफी ज्यादा गिरा है 2019 के चुनाव के तहत अगर आप देखेंगे, तो इस लिहाज से ये अपील जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, ना सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आपको पोस्ट दिखाएंगे। जाहिर तौर पर पिछली बार जब वो अपने गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर की सीट पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे, उससे पहले उन्होंने वो पोस्ट कर दिया था जिसमें देशवासियों से उन्होंने फिर अपील की थी कि जाएं, अपने घर से निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोट जरूर करें। तो तीन चुनावों में अब तक जो वोट प्रतिशत नीचे आया है उसको उठाने के लिए एक बार फिर से ये अपील दिग्गजों की तरफ से होनी शुरू हो चुकी है। और अब ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में सहयोगी जुड़ गए हैं, लखीमपुर खीरी से उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, धौरहरा से संकेत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कानपुर से बात करें तो अमित गंजू, और उन्नाव से अनुज गुप्ता, फरुखाबाद से सूर्य वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आज सब